मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, इसलिए सरकार जोर देती रहती है कि देश के लोग स्वदेशी अपनाएं। इससे न केवल देश का विकास होगा बल्कि देश के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और देश के ही लोगों को व्यापार के साथ रोजगार मिलेगा। इस समय दुनिया एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जहां लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना पड़ रहा है, और हो सकता है कि लोगों को ये आपसी दूरियां हमेशा के लिए या फिर बहुत लंबे समय के लिए बनाए रखनी पड़े। लेकिन इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है, बिना एक दूसरे से मिले तो आम लोग अपने घर का सामान तक नहीं खरीद सकते। अगर इसी प्रकार दूरियां बनाए रखनी पड़ी तो समाज को एक नया रूप लेना पड़ेगा, जैसे अपने पास की दुकान की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना। शायद इसीलिए इस ऑनलाइन बाजार में आज हर बड़ा व्यापारी अपना हाथ आजमा रहा है। अब आप बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। बाबा रामदेव मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स साइट लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्डर मी नाम की इस वेबसाइट पर पतंजलि प्रोडक्ट्स के अलावा भी स्वदेशी उत्पादों को बेचा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी एकदम फ्री होगी। बाबा रामदेव की तरफ से यह ऐलान ऐसे टाइम पर किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल होने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाबा रामदेव की ये ई कॉमर्स साइट अगले 15 दिनों में मार्केट में दस्तक दे सकती है। कंपनी का दावा है कि इस वेबसाइट पर ऑर्डर होने वाली सामानों की डिलीवरी में महज कुछ घंटों का समय ही लगेगा। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक ऑर्डर मी केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री करेगा। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के माध्यम से आप केवल शॉपिंग ही नहीं करेंगे बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर पतंजलि के 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स मुफ्त सलाह देने के लिए भी उपलब्ध होंगे। यानी अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको योग संबंधी सलाह भी मिल जाएगी। इस ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकेगा। साथ ही पतंजलि के इस ऐप पर MSME सेक्टर भी जुड़ सकेंगे, यानी आने वाले समय में ई कॉमर्स दुकानदार बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही कंपटीशन भी बढ़ेगा। इस कंपटीशन वाली जंग में देखने वाली बात ये होगी कि कौन किस पर हावी होगा, क्योंकि यहाँ देसी प्लेटफॉर्म भी तैयार है और विदेशी भी।